हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं दोबारा से एक बार फिर GTA 5। एंड गाइस, जैसा कि तुम सब लोगों को याद होगा कि यार लास्ट वाले एपिसोड में फ्रैंकिन अपने लिए एक एक्सपेंसिव गाड़ी लेने जा रहा था और उसके लिए बैनी से ट्रक लेना था ताकि अपनी एक्सपेंसिव कार को सेफली अपने घर तक ले जा सके। तो फाइनली बैनी से ट्रक लेने के बाद मैंने वीडियो को वहीं पर एड कर दिया था, तो आज वहीं से शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो चलो गाइस चलते हैं। एंड यार लोकेशन मैंने डाल ली है और गाइस इस वाले ट्रक का काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा है क्योंकि ना हम इसके ऊपर गाड़ी आराम से रख कर ले आएंगे और हमारी गाड़ी हिलेगी भी नहीं, उसके ऊपर फिट हो जाएगी गाड़ी बिल्कुल। तो चलो चलते हैं। और यार ये थोड़ा रास्ता कच्चा पक्का है यार, यहाँ से जाना पड़ेगा। और सामने से देखो भाई किसी का डाला आ रहा है, अभी साइड से होकर जाना यार। ये क्यों मुझे रोक रहा है पता नहीं यार, क्यों रोक रहा है इसका मुझे नहीं पता। बट मेरे ख्याल से उसको कोई हेल्प चाहिए थी। बट यार हमने भी जाना है वहाँ के ही, काफ़ी देर हो गई हमें यार। जिस जिसको पता चल गया ना कि गाड़ी कौन सी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी ही बता दे, ठीक है। आगे जाकर सबको ही पता चल जाएगा, कमेंट कर देना। तो यार कार 4 सेल से रिलेटेड का भी कोई हम एपिसोड बनाएंगे इन्हीं दिनों में। और यार उसका ना कोई अपडेट का यार वो थोड़ा सा मसला आया है, हो रही नहीं है मेरा डाउनलोड। जब वो हो जाएगा मेरे पास तो मैं तुम लोगों को उसकी अपडेट व्हाट्सएप वाले ग्रुप में दे दूंगा। तो गाइज अभी ना हम पक्की रोड पर आ गए हैं और अभी चलते हैं। अभी थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा नहीं काफी ज्यादा दूर है भाई। कितनी रश है यहाँ पर इस टाइम, अब टेक करके जाऊंगा मैं सारी गाड़ियों को। और यार ये सारी गाड़ियाँ मेरे लिए कितनी छोटी सी लग रही हैं, मतलब इस टाइम मुझे लग रहा है। अगर मैं कैमरा एंगल चेंज करने के चक्कर में भी लग जाता ऐसा काम हो जाता। सो गाइस पिछले वाले एपिसोड में ना हमें GTA 5 की सबसे बड़ा जो माफिया है ना डगन बोस, उसकी कॉल आई थी और उसने कहा था कि यार एक बंदे को टपकाना है, मतलब सपारी दे रहा था। तो यार हमने उसको सीधा सीधा मना कर दिया था, पता चले गाइस वो हमारे बीच अपने बंदे ही ना छोड़ दे यार। बट यार मैं डरता नहीं हूँ उससे, ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ उससे। फिर भी ना एक काम हमने छोड़ दिया और फिर हमें उसमें ही धकेल रहा है कि यार बंदा मारने का क्या था। मैंने उसको सीधा सीधा मना कर दिया, आपको पता है मैं कितना अच्छा बंदा हूँ, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता। बंदे से मारने वाला तो काम मेरे से होता ही नहीं है यार। यहाँ पर जो लोकेशन दी है, यहाँ पर इम्पोर्ट हुई है गाइस गाड़ी हमारी, अभी हम पहुँच गए काफी करीब है और ये आप लोग देख सकते हैं। तो यार वो ना मुझे डिलीवर करने वाले थे घर पे, तो मैंने उनको कहा यार आप घर पे ना करो क्योंकि वहाँ पे ना जो उनका ट्रक है ना वो काफी साइज में बड़ा है। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि मैं खुद ही आ जाऊंगा आप लोगों के पास। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे कहा था कि अगर आपके घर के पास ट्रक नहीं आ सकता क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा है उस गाड़ी का, आप अपने यहाँ कोई छोटा ट्रक ले आओ। तो इसलिए मैं ले आऊँ और गाइज वो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वही ट्रक है और काफी बड़ा है ये ट्रक भी, यहाँ से अंदर होते हैं। एंड गाइज यही मुझे लग रहा है, बिल्कुल यही है। तो अपने इस वाले ट्रक को ना यहाँ पर ही पार्क कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर गाइज इनके पास भी काफी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ये डीलर मेरे ख्याल से दरमियान में खड़ा है। तो यार जाके इससे मिलते हैं और इसको पैसे देते हैं और अपनी गाड़ी लेते हैं। तो सीधा चलते हैं इसके पास। भाई वो खड़ा देख रहा है भाई। हाँ भाई लड़के सुना कैसा है। मैं ठीक, और बता गाड़ी रेडी हो गई है। हाँ हाँ भाई रेडी है। ओ भाई इसके पास गाड़ियाँ देखो, कौन कौन सी गाड़ियाँ, ये पता नहीं कौन कौन से मॉडल है इसका। मुझे पता ये तो जी वैगन है, बाकी पता नहीं गाइस कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। वो भाई गाड़ी चेक करो यार, वो हो भाई क्या गाड़ी है। और ये मेरे ख्याल से निशान है, कौन सी है पता नहीं यार। तो इस ट्रक में मेरे ख्याल से बुगाटी है। तो भाई यार इसको खुलवाओ और मुझे गाड़ी चेक कराओ कैसी है गाड़ी। ओ भाई गाड़ी चेक करो भाई, गाड़ी हमारी आ चुकी है बुगाटी एन। यार चलो चलते हैं और इसको चेक करते हैं। और गाड़ी लॉक है मेरे ख्याल से, तो गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करता हूँ, चाबी मैंने इससे ले ली है। भाई गाड़ी का इंटीरियर देखो, बुगाटी चिरोन है गाइस ये गाड़ी थी। एंड गाइस इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस बुगाटी भी नया ऑन कर ली है एंड काफी गोला, और ये डीलर भी हमारे साथ आके बैठ चुका है। तो चलो यार इसको बाहर निकालते हैं। तो गाइस गाड़ी हम लोगों ने बाहर निकाल ली है, तो गाइस इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और ये डीलर भी हमारे साथ ही बैठा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं भाई क्या गाड़ी है। वो भाई भाई पीछे से इसका वो मतलब रूफ सा खुल जाता है एंड काफ़ी कूल है यार, काफ़ी ज़बरदस्त कार है। तो इसको अभी अपने ट्रक पर लोड करते हैं जल्द से। सबसे पहले ना इसको ना यहाँ पर लगाते हैं और डीलर को पैसे दे देते हैं। So guys, पेमेंट हो गया है और अभी ये गाड़ी हमारी हो चुकी है। तो ठीक है यार अब आप जा सकते हैं, ठीक है डीलर भी जा रहा है और चलो हम भी अपनी गाड़ी को लोड करते हैं। तो गाइस ट्रक में बैठते हैं और इसका पीछे वाला रूफ को नीचे लेके आते हैं। एंड ये डीलर हमारा जा रहा है, इसको ना यहाँ से नीचे ले कर देते हैं, ये नीचे कर दिया है। और अब यहाँ से उतरते हैं गाड़ी से, तो अपनी बुगाटी को इसके ऊपर चढ़ाते हैं, पहले इसको अनलॉक करते हैं, अब ना इसमें बैठ जाते हैं, मतलब अब ना इसके पीछे बिल्कुल स्ट्रेट पे लगा के। और अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक ही इसके ऊपर चली जाएगी, इसके साथ हुक हो जाएगी। तो चलो यार
हुक हो गया है और अब गाड़ी ऊपर चल रही है। एंड गाइस इसको मैं रिवर्स भी लगा सकता था, मैंने इसको रिवर्स नहीं लगाया था यार, रिवर्स में ना इसका हुक वगैरह नहीं है, तो इस तरह बिल्कुल ठीक है। भाई क्या चीज़ है वो भाई, यहाँ पर ये इसके ऊपर लोड हो चुकी है और अभी ट्रक से इसको ऊपर खींच लेते हैं और हम चलते हैं। पता नहीं डीलर की दो गाड़ियाँ यहाँ पर ही हैं, मेरे ख्याल से वो किसी का वेट कर रहे हैं, तो इसको भी ऊपर खींचते हैं और गाड़ी को पूरा हुक कर लेते हैं। भाई क्या ही लग रही है हमारी बुगाटी। और गाइस इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ जहाँ पर हमें इसकी कभी कभार ज़रूरत होगी तो तब ये लेके चलेंगे। और अभी हम चलते हैं, हमें लोकेशन भी लगाई हुई है, तो अभी सीधा घर ही चलते हैं। तो गाइस इस वाली गाड़ी को ना हम खास खास जगह पर लेके जाया करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे फालतू में चलानी नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है, $3.9 मिलियन की है भाई, बहुत ही महंगी है यार, पूरी ट्रैफिक जाम हुई है इस जगह पर, तो मुझे यहाँ से ही ट्रक निकालना पड़ेगा शॉर्ट तरीके से। अच्छा गाइस जब इस वाले ट्रक पे ना गाड़ी लोड नहीं थी ना, उस टाइम ना ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज़ थी, जब इस पे गाड़ी लोड की है तो उससे बाद ट्रक की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब थोड़ा सा फर्क आ गया है। और अभी बस थोड़ा सा ही रास्ता रहता है और अपनी फिर बुगाटी अपने घर तक पहुंच जाएगी, तो अपने गैराज में पार्क करूंगा, ठीक है। हमने गाड़ियों का कलेक्शन इकट्ठा करना है, जो जो गाड़ियाँ हमें पसंद है, तो ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं सीधा सीधा। तो गाइस इस वाले टर्न को बड़े मतलब तरीके से लेना पड़ेगा, देखो गाड़ियाँ भी रुक गई हैं क्योंकि इनको भी पता है कि यार अगर ये ट्रक यहाँ पर फंस गया तो गाइस सारी गाड़ियाँ फंस जाएंगी। ये घर है ना इसके ऊपर वाली साइड पे एक गैराज बनेगा जिसमें हम अपनी गाड़ियों का कलेक्शन इकट्ठा करेंगे, तो यार वो कि फिर किसी वीडियो में हम उसको बनाएंगे, एंड जब हमारे पास गाड़ियों का कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसको ना अनलोड करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ी सही सेफ तरीके से उतर रही है, मतलब यहाँ पे हम इसको उतारेंगे। तो गाइस गाड़ी हमारी अनलोड हो चुकी है, अब बस गाड़ी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को नीचे उतार लेते हैं। तो चलो भाई सही सेफली हमारी गाड़ी नीचे आ चुकी है। ओके तो यार बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई है बुगाटी हमारी, और यहाँ से उतरते हैं। तो यार इसको लॉक कर दिए गाड़ी को, और अब हम गैराज से बाहर चलते हैं। यार एक काम करता हूँ, इसको ना सामने पार्क करते हैं ऊपर करके, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। इसको यहाँ पर पार्क कर दिए गाइज, अपनी बुगाटी एक बार अपने घर में देख लेते हैं भाई क्या ही इसकी लुक है। तो गाइज ये वाली अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो गाइज मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम।